हेलो गाइस, आप सभी का दोबारा से गवर्नमेंट जॉब्स की यूट्यूब पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मेरे भाई और बहनों, आप सभी के लिए एकदम न्यू भर्ती का अपडेट हम लेकर आते रहते हैं। साथ ही साथ हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अंदर आपको एक नया धमाका इस वीडियो में मिलने वाला है, क्योंकि मेरे भाई और बहन हरियाणा कौशल रोजगार निगम का बार बार फॉर्म भरते हैं और आपको अभी जो भी समस्याएं होंगे आपके जिले के अंदर ही सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। HKRN ने अपनी लिस्ट वो जारी कर दी है, सभी के सभी जल्दी देख लो, क्योंकि 20 जिले के अंदर जहां जहां पर HKRN का नया ऑफिस बनाया है, किस किस जिले में कहां कहां पर कौन से स्थान पर नया ऑफिस इन्होंने अपना बना दिया है। अगर आपको नौकरी चाहिए तो यह भी आपको जानकारी पूरी लेनी चाहिए, क्योंकि भाई और बहनों आपको पता होना चाहिए आपके फॉर्म में कुछ भी करेक्शन हो जाता है, फॉर्म फिलअप नहीं होता है, पेमेंट नहीं कटती है, अगर XYZ कुछ भी इशू हो सकता है तो आपकी जो समस्याएं हैं अब आपको पंचकुला में नहीं जाना होगा, वहां पर बार बार मेल नहीं करना होगा, आपके जिले में ही आपकी समस्याओं का समाधान कर दिया जाएगा। तो 20 जिले के अंदर जहां जहां पर ऑफिस बना है, एक तो मेन जो मुख्यालय है हरियाणा का HKRN का, वो पंचकुला में ही है, जहां पर पहले था वहीं पर है, परंतु जहां पर हरियाणा में 20 जगह पर जहां जहां पर नया ऑफिस बना है वो इस वीडियो में मैं लिस्ट दिखाता हूं, पूरा डिटेल से बताऊंगा, वीडियो पर कंटिन्यू बने रहे। इससे पहले भी मैंने काफी चीजें आपको बार बार बताते रहते हैं, न्यू अभ्यर्थी आती रहती है उनकी भी जानकारी देते रहते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार अभी तक हमारे यूट्यूब को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई और बहनों यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, आपको अगर हरियाणा कौशल रोजगार निगम की सभी अपडेट्स मिलते रहेंगे और पूरी संपूर्ण जानकारी आपको दी जाएगी। साथ में अगर कोई टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन करना चाह रहा है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक प्रोवाइड कर रखा है, जिस प्रकार से लिस्ट जारी हुई थी हमने अपने टेलीग्राम ग्रुप में हम शेयर कर देते हैं, वहां से सभी बच्चे अपना अपना जो भी मटेरियल होता है सभी अपना अपना चेक करते रहते हैं। अगर आपको भी किस भर्ती का नोटिफिकेशन चाहिए, किस प्रकार के अपडेट चाहिए, सभी पूर्ण जानकारी है आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिलती रहेगी, और आप हमारे कॉमेंट बॉक्स में भी कॉमेंट करके बता सकते हैं आपको किस टाइप की भर्ती का अपडेट चाहिए। अगर आपकी कोई भर्ती ऐसे लंबे टाइम से पेंडिंग में पड़ी हुई है, उसकी जानकारी आपको नहीं मिल पा रही है, आपको कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है, तो उसका कमेंट जरूर करना, उसका रिप्लाई मिलेगा, हर डाउट होगा आपका समाधान किया जाएगा। तो भाई और बहनों मैं आपको ऑफिशियल लिस्ट दिखाता हूं, पूरा डिटेल से बताऊंगा, वीडियो पर कंटिन्यू बने रहे, ओके। मेरे सभी भाई और बहनों को बिल्कुल साफ साफ दिख रहा होगा ये लिस्ट आप सभी के सामने, हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड ने अपना जो ऑफिस है किस किस जिले के अंदर कहां कहां पर बनाया, मैं आपको दिखाता हूं, पूरा डिटेल से बताता हूं, इसको थोड़ा सा जूम और कर देता हूं, क्योंकि सभी भाइयों को बिल्कुल साफ साफ, सभी बहनों को बिल्कुल अच्छे से सारी चीजें समझ में आ जाएंगे। अंबाला के नाम से मैं स्टार्ट करूंगा, पहला अंबाला रहने वाला है, जिसके अंदर ID डाल रखी है, ये आपके नंबर डाल रखे हैं, अगर आप बात करना चाहेंगे तो कोई भी हेल्पलाइन नंबर पर बात करके पूछ सकता है। एड्रेस क्या रहने वाला है, नियर बाय जो गैस एजेंसी है पालुक बाजार के अंदर, पालिका बाजार मनीष नगर रहने वाला है, कोई महेश नगर अंबाला कैंट के अंदर, ये पिन कोड रहने वाला है। इस जगह पर आपका जो ऑफिस है वो बना दिया गया है, भिवानी के अंदर भी बना दिया गया है, चरखी दादरी के अंदर भी बना है, फरीदाबाद के अंदर भी बना है, फतेहबाद के अंदर भी बना है, गुरुग्राम के अंदर भी बना है, इसार के अंदर भी बना है, जींद के अंदर भी है, कैथड़ के अंदर भी है, करनाल के अंदर भी है, कुरुक्षेत्र के अंदर भी है, महेंद्रगढ़ का भी बना दिया गया है, महेंद्रगढ़ कहां पर है, हाउस नंबर 295 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी सेक्टर 6 जो आपका दारूडा रहने वाला है, दारूडा में इसका ऑफिस बनाया गया है। महेंद्रगढ़ वालों के लिए सभी के लिए दारूडा में ऑफिस बना है, मैं आपको बता दूंगा, और ये एड्रेस आप सभी के सामने है, पलवल में भी बना है, जिसका पंचकुला में भी बनाया गया है, पंचकुला में एक एड्रेस और डाल दिया गया है कि पंचकुला में पहले से हेड ऑफिस था, और एक एड्रेस और डाला गया है कि प्लॉट नंबर 308 फर्स्ट फ्लोर इंडस्ट्रियल एरिया फेज नंबर 4 पंचकुला, इस एड्रेस पर अपना जो ऑफिस है वो बनाया गया है। पानीपत के अंदर भी है, रेवाड़ी का ऑफिस कहां पर बना है, हाउस नंबर 295 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी सेक्टर 6 दारूडा, सेम रहने वाला है पंचकुला और महेंद्रगढ़ वालों का। ये सारी चीजें ध्यान से सुन लेना भाई और बहनों, आपके लिए इंपॉर्टेंट नोटिस लेकर आए हैं, क्योंकि आपके बार बार इश्यूज रहते थे, बार बार आपकी समस्याएं रहती थी, वो सारी समाधान अब हरियाणा कौशल रोजगार निगम का आपके जिले में करेगा। रोहतक वालों का रोहतक में बना दिया गया है, सिरसा का भी है, सोनीपत का भी है, और इसके आगे लास्ट आपका बच गया यमुनानगर, जो आपका जगाधरी के अंदर बनाया गया है यमुनानगर वालों का, जिसके अंदर ये एड्रेस आप बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आईडी नंबर डाल दिया, हेल्पलाइन नंबर डाल दिया, एड्रेस डाल दिया, और कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में कहां कहां पर बना है। पहली बात तो मैं आपको बताना चाहूंगा, एक तो एड्रेस रह गया आपका पंचकुला, 22 जिले हैं हरियाणा के अंदर, परंतु ऑफिस बनाया 20 जगह, 20 जगह में से पंचकुला के अंदर मैं बताना चाहूंगा, पहले से एक ऑफिस था वो तो एक कम हो गया। दूसरी चीज आपको मैं
बताना चाहूंगा, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी वालों के लिए सेम एड्रेस है, सेम आपका जो सिस्टम बना रखा है महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी वालों में, आपका सेम सारी चीजें रहने वाली है। तो महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी वालों को आप दारूहेड़ा के अंदर अपना जो ऑफिस है वो उसमें जाना होगा, वहीं पर ही आपका पूरी चीजों का समाधान मिल जाएगा। सेम चीजें आप दारूहेड़ा और महेंद्रगढ़ वालों का देख सकते हैं। और बाकी जो भी जिले हैं पानीपत के अंदर, कैथल वालों का बना है पानीपत के अंदर और कैरनाल वालों का भी पानीपत के अंदर है, सेम एड्रेस है। इस प्रकार से ये ऑफिस है ये कम हो गए हैं और कम का कारण है 20 जगह पर आपके ऑफिस जो बन गए हैं। भाई और बहनों अच्छी बातें हैं, क्योंकि हरियाणा सरकार ने भी इसके ऊपर आपकी समस्याएं सुनी है, समझी है कि काफी बच्चे ऐसे रह जाते हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं हो पाते, कम टाइम मिलता है, जिसके ऑफर लेटर नहीं आ पाते। आप अगर पारदर्शी तरीके से अपनी भर्ती को देखना चाह रहे हैं तो आपको सारे चीजें आप हरियाणा के जो ऑफिस बनाए गए हैं उनमें सारी चीजें बताई जाएंगे। हेड ऑफिस के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है, बार बार वहां बच्चे जाते थे, अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर जाते थे, पंचकुला पहुंचते थे, परंतु उनके समाधान होने में टाइम लग जाता था। तो जो भी समस्याएं होंगे अब आपके जिले में ही सारी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। ये हेड ऑफिस आप सभी के लिए बनाए गए हैं। हेड ऑफिस का मतलब है कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम के जितने भी ऑफिस बने हैं आप सभी की प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए बनाए गए हैं। तो इस प्रकार की जो भी अपडेट्स आते रहते हैं, नए अपडेट्स हम अपने चैनल पर बताते रहते हैं। अगर अभी तक भी आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं कर रखा तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है। साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर रखे हैं, साथ में यूट्यूब चैनल पर आपने ज्वाइन नहीं कर रखा तो यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस प्रकार से जो भी नए अपडेट्स आएंगे हरियाणा कौशल रोजगार निगम के संपूर्ण जानकारी आपको दी जाएगी, सबसे पहले जानकारी मिलेगी, क्योंकि हर जगह आपको नए अपडेट्स हमारे यहां पर हमेशा मिलेंगे, क्योंकि हमारे चैनल पर जो भी अपडेट्स आते हैं 100% रियल जानकारी, स्टिक जानकारी, विश्वसनीय जानकारी मिलती है। और काफी बच्चे ऐसे हैं जो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेते हैं, वहां पर आप मैसेज नहीं कर पाते, आप सभी बोलते हैं सर टेलीग्राम ग्रुप में हम मैसेज नहीं कर पा रहे, उनको भी मैं बताना चाहूंगा, भाई और बहनों आप मुझे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में जाएंगे वहां पर पर्सनल का भी ऑप्शन आता है, वहां पर मुझे मैसेज डाल देना, मैं अपनी टीम को पूरा आपको बताऊंगा और आपको रिप्लाई मिलेगा 24 आवर्स में, उस चीज का रिप्लाई दूंगा आप सभी को। बिल्कुल कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ना आपकी कोई फीस लगने वाली, ना आपसे कोई चार्ज लिया जा रहा, संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी, कोई भी समस्या होगी उसका समाधान आपका किया जाएगा। दूसरी चीज, अगर आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर रखे हैं तो वहां पर सुबह सुबह आपको सभी भर्तियों की जानकारी मिलती है, एक साथ में हम सभी पूरे दिन की जो भी भर्तियां रूटीन में चलती रहती है वो सुबह पहले ही आप सभी को बता देते हैं, 8 से 9 बजे के बीच में, 7 से 9 बजे के बीच में आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाती है कि कौन सी भर्ती क्या क्या चल रही है, एक साथ में डालते हैं। आप सभी सोचते होंगे सर इतने सारे आप एक साथ भर्तियां बता देते हैं, क्या ये ऑनलाइन है? सारी की सारी भर्तियां ऑनलाइन रहती है, ऑफलाइन रहती है, वो उसमें लिखा रहता है, परंतु जो भी पर डे जो भी भर्तियां चलती हैं उनकी संपूर्ण जानकारी आपको सुबह पहले दे दी जाती है, और डे में कुछ भी दिन के अंदर कुछ भी अपडेट्स आते हैं वो बार बार हम वहां पर बताते रहते हैं। तो इस प्रकार से जो भी भर्तियां आती है, कोई भी अपडेट्स आता है, चाहे कौशल रोजगार निगम का हो, चाहे डीसी रेट जॉब्स का हो, किसी भी प्रकार का कोई भी अपडेट आता है सभी भाई और बहनों को बताया जाता है। तो अभी तक भी आपने हमारे यूट्यूब को सब्सक्राइब नहीं करा यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लेना, ये वीडियो आपको किस प्रकार से लगा इसमें पूरी जानकारी दी है और ये लिस्ट मैं आपको दोबारा से टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, वहां से फिर से देख लेना, और कोई भी डाउट्स बचाओ तो कमेंट कर देना, टेलीग्राम पर मैसेज कर देना, किसी भी टाइप का कोई भी आपका इशू बचना नहीं चाहिए। तो आपके लिए बहुत ही अच्छे अच्छे अपडेट्स आते रहेंगे, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, साथ में हमारे यूट्यूब को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो के कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट करना, वीडियो को लाइक कर लेना। दोस्तों मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, जय हिंद जय भारत।